प्रमुख खर्चलों पर। शहर में चोरों के हौसले बुलंद। शहर का मध्य क्षेत्र डालू मोदी बाजार चौराहे से बदमाश सीवरेज के गड्ढे पर लगा 25 किलो वजनी लोहे का ढक्कन ले उड़े। अतिवृष्टि की स्थिति में शहर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बाढ़ नियंत्रण स्थिति की समीक्षा बैठक में अफसरों को दी चेतावनी। बीते 10 दिनों में 14 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन के माथे पर पड़े बल, जिले में एक बार फिर संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ा। शहर का मध्य क्षेत्र डालू मोदी बाजार चौराहे से बदमाश सीवरेज के गड्ढे पर लगा 25 किलो वजनी लोहे का ढक्कन ले उड़े। पुलिस प्रशासन लाख कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन बदमाश ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कानून के रखवाले को चुनौती मिल रही है। पुलिस प्रशासन अभी तक शहर में हुई बड़ी चोरियों का पता भी लगा नहीं पाया था कि शहर का मध्य क्षेत्र डालू मोदी बाजार चौराहे से बदमाश सीवरेज के गड्ढे पर लगा 25 किलो वजनी लोहे का ढक्कन ले उड़े। बदमाशों द्वारा सीवरेज नाले के ऊपर लगे ढक्कन को ले जाने की वजह से नाले का मुंह खुल गया और क्षेत्र में बड़े हादसे होने का भय बन गया है। क्षेत्रीय व्यापारियों ने पुलिस द्वारा लगाया गया बैरिकेड उठाकर नाले के खुले मुंह पर ढक दिया, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। लेकिन रहवासियों का कहना है कि डॉक्टर देवी सिंह की गली में जाने के लिए मात्र यही एक मार्ग है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, साथ ही यहां पर पुलिस का गश्ती पॉइंट भी बना हुआ है। बावजूद इसके यहां पर चोरी हो जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्षेत्रीय रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया। ये कल रात तक यहां पे सुबह ये जो ढक्कन था ड्रेनेज का, हाँ, जो ढक्कन नहीं था तो व्यापारी जो आए हम सबने मिलकर ये बैरियर को इस पे रख दिया। गड्ढा है, अंदर जाने का एक रास्ता गली में, रास्ता ही बंद हो गया। रात तक तो था डब्बा, हाँ, आज सुबह में गायब हो गया। अच्छा, आने जाने का मेन रास्ता अंदर देवी सिंह की गली में पूरा जी, गाड़ियाँ वाड़िया पब्लिक का आवाज 40 से 50 किलो का होगा जी। ढक्कन जो है ये 40 से 50 किलो का वजह हो सकता है। यहाँ पे पुलिस बैठती है रात को, चौकीदारी कहाँ करती है? रात को तो कभी पुलिस देखी नहीं है यार। ऐसा यहाँ पे पुलिस पॉइंट बना हुआ है कहीं? पुलिस पॉइंट है नहीं, कैमरे लगे ऑलरेडी, कैमरे लगे हुए हाई टेंशन जी जी, उसमें देखेंगे पुलिस वाले। अतिवृष्टि की स्थिति में शहर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उक्त बात कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने रतलाम शहर में बाढ़ नियंत्रण स्थिति की समीक्षा बैठक में अफसरों से कही। अतिवृष्टि की स्थिति में शहर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, समय रहते सभी प्रबंध करें। यदि किसी क्षेत्र में कोई परेशानी होती है या आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यह हिदायत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने रतलाम शहर में बाढ़ नियंत्रण स्थिति की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए। उन्होंने रतलाम शहर में अधिक वर्षा की स्थिति में विगत वर्षों में हुए प्रभाव की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक जोन में नियुक्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उनके क्षेत्र में किसी तरह की जल भराव से कोई अप्रिय स्थिति न हो। यदि उसके लिए कोई प्रबंध किया जाना है तो निर्धारित समय सीमा में करे। वर्षा का दौर जारी है और अधिक वर्षा की स्थिति में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। अधिकारी सतर्क रहे और कार्य योजना अनुसार दायित्व निभाए, इसके लिए स्थापित कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करें। उन्होंने कहा कि वर्षा काल के दौरान शहर में अक्सर देखा गया है कि गंदगी पसरी हुई है, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारी अपने सूचना तंत्र को मजबूत रखें। शहर के जिन वार्डों में पानी भरने की संभावना रहती है उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाए। बैठक में निगम आयुक्त झारिया ने बताया कि गंदी बस्तियों में सफाई के लिए 78 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जो अभी तैनात किए गए हैं। सफाई के साथ कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम पांड्या रोजाना सफाई देखने के लिए शहर की 2 बस्तियों में एपी सिंह को लेकर जाए। जो बस्तियां नाले पर बसी हैं वहां के लिए बाढ़ अतिवृष्टि में विशेष कार्य योजना तैयार करें। अधिकारी पहले से जाकर उन स्थितियों का जायजा ले ताकि समय पूर्व योजना तैयार हो सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया,
सिटी एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सावन माह के शुरू होने के साथ ही रतलाम शहर में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था। जिले में अब तक 14 इंच वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 इंच ज्यादा है। सावन माह के शुरू होने के साथ ही रतलाम शहर में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था। रविवार सोमवार दरमियानी रात में जो बादल ने बरसना शुरू किया था, वह गुरुवार सुबह तक रिमझिम बारिश होती रही। 4 दिनों में थक के बादलों ने आराम किया और आज हल्की धूप दिखाई दी। रतलाम जिले में हफ्ते भर से जारी झमाझम बारिश के दौर से जिले में बारिश का आंकड़ा 13 इंच के पार पहुंच गया है। बारिश का आंकड़ा गत वर्ष की तुलना में करीब 4 इंच अधिक है। जिले में सेलाना ब्लॉक में सर्वाधिक 17.4 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं ताल क्षेत्र में सबसे कम 9 इंच बारिश हुई है। जिले के विकास खंडों में हुई बारिश रतलाम जिले में अब तक कुल 10.2 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले के आलोट में 10.4 इंच, ताल में 9, जावरा में 18.6, पिपलोदा में 15.7, बाजरा में 12.3, रावटी में 13.9, रतलाम में 11.2 और सैलाना में 17.4 इंच वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार जिले में अब तक 14 इंच वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 इंच ज्यादा है। चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 83186 44057 7000 45 6734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी, कनेरी रोड, न्यू झाबुआ टू लेन, पुलिस लाइन के आगे, रतलाम। नगरी निकाय चुनाव की माथापच्ची से जिला प्रशासन निपटा ही था कि कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना शुरू कर दी। नगरी निकाय चुनाव की माथापच्ची से जिला प्रशासन निपटा ही था कि कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना शुरू कर दी। रतलाम जिले में अब हर दिन के 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। रतलाम जिले में बीते 10 दिनों में कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों की रैंडम जांच में गुरुवार को भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। रतलाम के सेलाना में 28 वर्षीय पुरुष और गुणावत गांव में 22 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 10 दिनों में 14 कोरोना पॉजिटिव मिलने से एक बार फिर रतलाम जिले में संक्रमण के बढ़ने का खतरा बन गया है। पॉजिटिव आए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव का उपाय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के साथ मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से मिली अंतिम चेतावनी के बाद निगम अधिकारियों ने कस्तूरबा नगर गली नंबर 7 में सड़क पर फैले अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाकर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का निराकरण करवाया। शहर में एक ओर जहां रिमझिम बारिश का दौर चल रहा था और चुनावी सरगर्मियां अपने परवान पर थे, तब निगम अधिकारी और कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायत का निराकरण करने में लगे हुए थे। शहर में चर्चा का विषय बन चुके कस्तूरबा नगर गली नंबर 7 में सीएम हेल्पलाइन में लगातार सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज की जाती रही है। वहीं निगम अधिकारी द्वारा सड़क पर अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण कई बार निगम अधिकारियों को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कोप का भाजन भी बनना पड़ा था। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से मिली अंतिम चेतावनी के बाद निगम अधिकारियों ने कस्तूरबा नगर गली नंबर 7 में सड़क पर फैले अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाकर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का निराकरण करवाया। Thank you.
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचलों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शहर में चोरों के हौसले बुलंद, शहर का मध्य क्षेत्र डालू मोदी बाजार चौराहे से बदमाश सीवरेज के गड्ढे पर लगा 25 किलो वजनी लोहे का ढक्कन ले उड़े। अतिवृष्टि की स्थिति में शहर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बाढ़ नियंत्रण स्थिति की समीक्षा बैठक में अफसरों को दी चेतावनी। बीते 10 दिनों में 14 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन के माथे पर पड़े बल, जिले में एक बार फिर संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ा।